एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। एज यू नो, क्लास 11th का चैप्टर हम लोगों का रनिंग में है, प्लांट टिश्यूज और एनाटॉमी वाला। हम लोगों ने ऑलमोस्ट उसका 70 से 80% जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम्स की, रूट्स की, ऑल ओवर प्लांट्स की, वो हम लोगों ने डिस्कस करी थी। और मैंने कहा था कि जो इसका नेक्स्ट एनाटॉमी वाला पार्ट है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, और जो ये आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव, इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम प्रीवियस। जो आपने अभी तक प्रीवियस में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबसे डिफरेंट है। क्यों? द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में एनाटॉमी का मीनिंग क्या समझा था? स्ट्रक्चर, राइट, द इनसाइड स्ट्रक्चर। एंड अभी तक आप क्या पढ़ के आ रहे हो? अभी तक आप पढ़ के आ रहे हो ओनली अबाउट टिश्यूज, देयर फंक्शंस, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम प्रीवियस। सो अब हम लोग जो एनाटॉमी है रूट्स की, स्टेम्स की एंड लीव्स की, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूट्स में, स्टेम्स में हम लोग दो टाइप की पढ़ेंगे, एक तो डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट मोनोकॉट तो आप लोग समझते ही हैं। द मीनिंग ऑफ डाइकॉट, दैट मींस टू कॉटिलेडॉन्स, एंड मोनोकॉट सिंगल कॉटिलेडॉन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द एनाटॉमी ऑफ डायकॉट रूट्स। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल डाइकोटिलेडॉन्स रूट्स शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। बहुत सारे फीचर्स हैं जो डाइकोटिलेडॉन्स रूट्स होती हैं, तो उनमें बहुत डिफरेंट फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विदाउट क्यूटिकल इज एपिब्लेमा। और ध्यान रखिएगा, ये हम ऑल ओवर प्लांट्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ रूट्स की बात करेंगे, ओनली ऑफ रूट्स। तो कोई स्टेम लीफ तो मत चले जाइएगा। सबसे पहले क्या बोल दिया है? देयर इज अ आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विदाउट क्यूटिकल। क्यूटिकल इज द वैक्सी सब्सटेंस, राइट? इट इज कॉल्ड एपिप्लेमा। तो यानी कि क्या बोला गया है इसमें, जो रूट्स होती हैं डायकॉट रूट्स, उनके सिंगल लेयर होती है पूरे सेल्स की, लेकिन उस सेल्स पे क्यूटिकल की लेयर नहीं होती, दैट मीन वैक्सी थिक लेयर नहीं होती है, और उस पूरी सिंगल लेयर का नाम क्या होता है? एपिप्लेमा। ये लो मैंने बना दी, ये मैंने सिंगल लेयर बना दी रूट्स के ऊपर। नाउ सम ऑफ इट सेल्स आर प्रोलॉन्ग्ड इनटू यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। अब इसमें से कुछ हमारे जो सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स। या देखिए, जैसे मैं एक रूट ले ली, मैंने 10 रूट बनाने से अच्छा है एक रूट लेते हैं और उसी में समझ लेते हैं। जैसे ये ले ली मैंने, एक रूट ले ली, इसकी आउटर लेयर कौन सी थी? एपिप्लेमा थी। चलो भाई ठीक है, ये भी बना देते हैं हम लोग एपिप्लेमा। थोड़ा सा मैंने बना दी है लाइक दैट, ओके। अब इन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स में, यानी कि जो सेल्स की आउटर लेयर थी, इसमें से कुछ सेल्स हमारे यूनिसेलर्स होते हैं। देयर आर सम सेल्स आर यूनिसेलर, जिसे हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स। आप लोग रूट्स निकालते हो, कभी भी किसी की जड़ निकाली, किसी प्लांट की, आपको इस तरीके से ये ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ हेयर्स टाइप दिखाई देते होंगे लाइक दैट, दिस वन, दीज आर रूट हेयर्स। दीज आर रूट हेयर्स जो कि यूनिसेलर होते हैं, और एपिब्लेमा जो आउटर लेयर होती है ना, उसी के होते हैं। नेक्स्ट टू इट इज द कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ टिपिकल पैरेन्काइमल सेल्स। अब इसके अंदर की बात करते हैं। आउटर लेयर हो गई, इनर पर पहुंच जाइए। इनर लेयर पे, जैसे ये आउटर लेयर का तो मैंने ये बना दिया, इनर लेयर है। इनर जैसे ये हमारी कुछ भी नहीं है, रूट्स के अंदर का तो मैं दिखा नहीं सकती, वैसे बता सकती हूँ। इनर लेयर होती है हमारी कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स की हमारी डिफरेंट लेयर्स होती है। मतलब जो हमारी आउटर लेयर थी वो तो सिंगल लेयर थी सिर्फ, लेकिन जो अंदर इनसाइड जो कॉर्टेक्स लेयर होती है सॉरी, वो सेवरल लेयर्स होती है, 3 से 4, 5 से 6। और कैसे सेल्स की होती है? पेरेन्काइमा सेल्स की होती है, पेरेन्काइमा सेल्स। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ एपिप्लेमा, कभी कभी क्या होता है कि जो आउटर लेयर होती है एपिप्लेमा, वो डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी कंडीशन, आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बिकम क्यूटनाइज्ड एंड इज कॉल्ड एक्सोडर्मिस। अब कॉर्टेक्स क्या है? जो इनर लेयर थी वो एज अ आउटर लेयर वर्क करने लगती है। एपिप्लेमा
जो आउटर लेयर थी उसकी डेथ हो गई किसी भी कंडीशन कैसे भी, तो अब आउटर लेयर की तरह कौन वर्क करेगा? कॉर्टेक्स लेयर वर्क करेगा, इसीलिए फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोडर्मिस। नाउ द कॉर्टिकल सेल्स स्टोर फूड एंड वाटर, और कॉर्टेक्स क्या है, टिश्यू है। अब किसी सेल से तो मिलके बना होगा, तो कॉर्टिक सेल्स, कॉर्टिक टिश्यू कौन से सेल्स से मिलके बना है? कॉर्टिकल सेल से मिलके बना होता है, और कॉर्टिकल सेल्स का काम क्या होता है, फूड और वाटर को स्टोर करने का। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। नाउ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि जो कॉर्टेक्स है वो सेवरल लेयर्स होती हैं, बहुत सारी। तो जो आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स होगी उसे तो हम लोगों ने एक्सोडर्मिस कह दिया, लेकिन जो लेयर्स कॉर्टेक्स की अंदर की साइड है, सेवरल लेयर्स है ना, तो अंदर की साइड जो लेयर्स होंगी उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। नाउ द सेल्स आर बैरल शेप्ड एंड देयर रेडियल वॉल्स वियर कैस्पेरियन स्ट्रिप और कैस्पेरियन बैंड्स कंपोज्ड ऑफ सीफ्रिन। अब यहाँ पे जो एंडोडर्मिस होते हैं, एंडोडर्मिस का मतलब है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, बैरल शेप्ड की होती है, इनके जो सेल्स होते हैं बैरल शेप्ड की होते हैं। रेडियल वॉल्स होती हैं जिनके ऊपर बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ये रेडियल वॉल्स हैं, सपोज करिए इन वॉल्स पे ऐसे बैंड्स प्रेजेंट रहेंगे, दिस वन। और ये बैंड्स किसके बने होंगे, स्यूब्राइन के बने होंगे। स्यूब्राइन इज अ बोल सकते हैं, स्यूब्राइन इज अ थिकी सब्सटेंस लाइक क्यूटिकल, जैसे क्यूटिकल सब्सटेंस होता है ना, सेम एज स्यूब्राइन भी होता है। नियर द प्रोटोजाइलम प्राइमरी जाइलम देयर एन अनथिकेंड पैसेज सेट। अब यहाँ पे इसके पास क्या है, जाइलम भी प्रेजेंट होगा, प्राइमरी जाइलम। उस प्राइमरी जाइलम के पास बहुत सारे अनथिकेंड यानी कि थिन सेल्स का पैसेज प्रेजेंट रहता है, एंड अ सिंगल लेयर ऑफ पेरिनकाइमा दैट इज पेरिकाइले इज प्रेजेंट जस्ट बिलो एंडोडर्मिस विच बाउंड्स द वास्कुलर सिलेंडर। यहाँ पे जो हमारी सिंगल लेयर ऑफ पेरेनकाइमा, देखिए पेरेनकाइमा में भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जब हम सिंगल लेयर बात करेंगे पेरेनकाइमा की, जिसे हम लोग बोलेंगे पेरिसाइकल, द सिंगल लेयर ऑफ पेरेनकाइमा इट इज पेरिसाइकल, जो कि एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स के लिए जस्ट उसके नीचे प्रेजेंट होता है, और वहां पे जितने भी वास्कुलर सिलेंडर्स होते हैं उनको क्या है, बाउंड करके रखता है। इनको स्टील बोल दीजिए, वास्कुलर सिलेंडर बोल दीजिए, एक ही बात है। नाउ स्टील कंसिस्ट ऑफ दैट मीन वास्कुलर सिलेंडर 2 to 6 रेडियल वास्कुलर बंडल्स। अब इसमें कितने वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 से 6। वास्कुलर बंडल्स का मतलब होता है जिसमें आपका जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, कैम्बियम टिश्यूज प्रेजेंट हो। जाइलम इज एक्सार्क, जाइलम एक्सार्क होगा। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम द वस्कुलर सिलेंडर मे बी डायार्क और हेक्सार्क। देखिए जाइलम तो एक्सार्क है, एक्सार्क मैंने कल बताया था आपको लास्ट वीडियो में। ये डिपेंड करेगा कि जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज के कितने नंबरिंग में प्रेजेंट है, और जितने नंबरिंग प्रेजेंट होती है जो हमारे वस्कुलर बंडल्स हैं वो भी हमारे डायार्क या हेक्सार्क होगा। डायार्क मतलब दो की उसमें अगर 6 प्रेजेंट है तो हेक्सार्क होगा, लिखा हुआ ना कि अगर 2 वस्कुलर बंडल्स तो डायार्क, अगर 6 वस्कुलर बंडल तो हेक्सार्क। अब पेरेनकाइमेटस कनेक्टिव टिश्यू और कंजक्शन टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। इसके अलावा एक पेरेनकाइमा टिश्यू का जो जंक्शन है, मतलब पूरा एक तरीके से ग्रुप है, वो प्रेजेंट रहता है हमारे जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के बीच में। अब आप इसका देखिए, यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई देगा, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, सबसे आउटर में रूट हेयर्स थे, रूट हेयर्स के ऊपर फिर आउटर लेयर सिंगल की लिंक, सिंगल लेयर कौन सी थी, एपिब्लेमा। उसके बाद यहाँ पे कॉर्टेक्स की लेयर थी, तो कॉर्टेक्स में हमारे बहुत सारे होते हैं, जो आउटर कॉर्टेक्स लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्सोडर्मिस। फिर बहुत सारे कॉर्टेक्स की लेयर आपको दिखाई दे रही है, और सबसे इनर मोस्ट जो कॉर्टेक्स की लेयर होगी इट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। यही तो पढ़ा हम लोगों ने, यही तो बताया था मैंने। उसके बाद पेरिसाइकल था, पेरिसाइकल जो पेरेनकाइमा की सिंगल लेयर थी,
पैरेन्काइमा की सिंगल लेयर, ठीक है भाई, ये लो यहाँ प्रेजेंट है पेरिसाइकल। फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे फ्लोएम प्रेजेंट है यहाँ पे, फ्लोएम प्रेजेंट है। इसके अलावा आप देखिए, आपको मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम भी दिख रहे होंगे, मतलब प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम दोनों ही दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर पूरे। और पूरा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वास्कुलर सिलेंडर, यही तो फॉर्म कर रहे हैं पूरा वास्कुलर सिलेंडर वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग। नाउ द सेंट्रल पार्ट ऑफ वास्कुलर सिलेंडर इज कॉल्ड पिथ। आपको सेंट्रल पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट वास्कुलर बंडल्स का, इसे हम क्या बोलते हैं, पिथ कहते हैं। इट इज नैरो, नैरो होता है, मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल। किससे बना होता है, पेरेन्काइमा सेल से, विद और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एट लेटर स्टेज अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम व्हिच कॉजेस सेकेंडरी ग्रोथ इन थिकनेस। उसके बाद जाइलम और जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, इसके अलावा फ्लोएम, दोनों चीज आपको दिखाई दे रही है। इनके बीच में, जैसे ये हमारे फ्लोएम टिश्यू, ये जाइलम टिश्यू, इनके बीच में हमारे क्या है, कैम्बियम की रिंग्स आ जाती है, जो कि क्या करती है, जाइलम और फ्लोएम यानी कि हमारे पूरे रूट्स को सेकेंडरी ग्रोथ करने में हेल्प करती है। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा कैम्बियम टिश्यूज या कैम्बियम रिंग की वजह से होती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। जिस किसी भी प्लांट में कैम्बियम रिंग्स या टिश्यूज नहीं है, वो प्लांट कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ में एंटर नहीं हो सकता, सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ रहती है। सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ डायकॉट रूट। अब आ जाते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। मैंने कहा था ना आप लोगों को डायकॉट मोनोकॉट सब पढ़ना पड़ेगा, तो मोनोकॉट में आ जाते हैं। इट रिजेंबल्स दैट ऑफ अ डायकॉट रूट इन इट्स बेसिक प्लान, हाउएवर बट इट पजेसेस मोर देन 6 जाइलम बंडल्स। ध्यान रखिएगा, इसमें 6 से जाइलम बंडल्स होते हैं, उसमें 2 से 6 के बीच में थे, डायकॉट में 2 से 6 के बीच में थे, 6 से ज्यादा नहीं थे, 6 मैक्सिमम थे, इससे 6 में ज्यादा बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीआर्क कंडीशन। पॉली मतलब मैनी, पिथ इज लार्ज, पिथ जो सेंट्रल पिथ होगा वो लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होगा, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ होगा नहीं क्योंकि मोनोकॉट में कैम्बियम टिश्यूज नहीं होते, मोनोकॉट डज नॉट टू इंक्लूड कैम्बियम टिश्यू, सो प्लांट ऑल्सो डज नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो। बाकी का जो पूरा डायग्राम हमने वहां पढ़ा था, सेम एज इट इज है, कोई डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले रूट हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर एपिब्लेमस आप सिंगल लेयर आपको दिखाई दे रही है, फिर कॉर्टेक्स की लेयर दिखाई दे रही है एक्सोडर्मिस, फिर इनर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है आपको एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद पेरेन्काइमा की सिंगल लेयर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं पेरिसाइकल, फिर यहाँ पे प्रोटोजाइलम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम, तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो मिलके वास्कुलर बंडल बना रहे हैं, और बीच में आपको यहाँ पे पिथ दिखाई दे रहा है जो कि लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है। अब इसमें कैम्बियम टिश्यूज तो है नहीं है प्राइमरी, सेकेंडरी या फ्लोएम वगैरह में, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ को नहीं शो करेंगे, सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ में ही ये रह जाते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर स्टेम वाले पार्ट में। हम लोगों ने रूट वाला पढ़ लिया, स्टेम वाले पे आ जाते हैं। स्टेम में एनाटॉमी ऑफ अ डायकॉट स्टेम, सबसे पहले हम लोग डायकॉट स्टेम की देखेंगे, उसके बाद मोनोकॉट की, और इसमें एग्जांपल सनफ्लावर का ले लिया है। देखिए, किसी ना किसी स्टेम को तो लेके चलना पड़ेगा, किसी भी एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे जिस स्टेम की एनाटॉमी को एक्सप्लेन किया है वो है सनफ्लावर की। अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डायकॉट स्टेम शोज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, देखते हैं कौन क्या क्या स्ट्रक्चर। एपिडर्मिस इज सिंगल, एपिडर्मिस यानी कि जो कॉर्टेक्स की लेयर है वो सिंगल होगी, ओनली एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर विद मल्टी सेलर आउटग्रोथ कॉल्ड ट्रायकोम्स, देखिए सॉरी इट्स नॉट कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट जिसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। वैसे तो सेवरल लेयर्स होती हैं, लेकिन डायकॉट स्टेम में सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस की। इसके अलावा इसकी डायकॉट स्टेम्स में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे छोटे छोटे हेयर से निकले रहते हैं, राइट, मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायकॉम्स। अ लेयर ऑफ क्यूटिकल इज यूजुअली प्रेजेंट
टूवर्ड्स द आउटर सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस क्यूटिकल. क्यूटिकल जो कि एक थिकी वैक्सी सब्सटेंस होता है, तो जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर, उसके भी बिल्कुल आउटर मोस्ट प्रेजेंट होता है क्यूटिकल सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस, लिखा भी हुआ है. कॉर्टेक्स इज सिचुएटेड बिलो द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस लेयर के जस्ट नीचे कौन सी टिश्यू की लेयर होगी? कॉर्टेक्स टिश्यू की. एंड इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री रीजन. और ये जो कॉर्टेक्स है थ्री रीजन में डिवाइडेड होती है, हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस. दैट मीन कि सपोज करिए ये कॉर्टेक्स की लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, जैसे इसके ऊपर तो खैर एपिडर्मिस है ही है, एपिडर्मिस के अंदर होती है हमारी कॉर्टेक्स. तो कॉर्टेक्स हमारी तीन रीजन में डिवाइडेड है. सबसे पहली है हमारी बाहर वाली जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मिस, फिर मिड वाली आती है जिसे हम लोग बोलते हैं जर्नल एपिडर्मिस, और सबसे इनर मोस्ट वाली आती है जिसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस. बस लिखा भी हुआ है हाइपोडर्मिस इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एंड इज मेड अप ऑफ 3 to 5 लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल. किससे बनी होती है? कोलेनकाइमेटस सेल से बनी होती है, 3 से 5 लेयर्स. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती. जर्नल कॉर्टेक्स की बात करें, जर्नल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ लार्ज पेरेनकाइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस. जो जर्नल कॉर्टेक्स है ये भी हमारी सेवरल लेयर्स की होती है. और कौन से टिश्यूज कौन से सेल से बनी होती है? पेरेनकाइमा सेल से विद इंटरसेलुलर स्पेसेस. इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है. और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्मिस, इज एन इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच इज मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स. किससे बनी होती है? बैरल शेप्ड सेल से बनी होती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार्च शीथ, इसको हम लोग स्टार्च शीथ भी कहते हैं. अब यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, एक सेकेंड. यहाँ पे सबसे बाहर देखिए हेयर्स, जिसे हम लोगों ने ट्राइकेम्स बोला था स्टेम्स में. उसके बाद इसकी अपर मोस्ट लेयर कौन सी थी? एपिडर्मिस. फिर सेकेंड नंबर पे कौन सी लेयर थी? क्यूटिकल. राइट, क्यूटिकल में भी आपको सबसे पहली लेयर कौन सी थी? हाइपोडर्मिस. नहीं नहीं एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाइपोडर्मिस थी. थोड़ा सा इसमें हाइप्रो आ गया. यहाँ पे देखिए कॉर्टेक्स की, यहाँ पर आपको सॉरी ये पहले क्यूटिकल है, इट्स नॉट क्यूट कॉर्टेक्स, इट्स क्यूटिकल, जो कि एपिडर्मिस के बिल्कुल अपर सरफेस पर प्रेजेंट होती है और यहाँ तक पूरा एपिडर्मिस के लिए है. उसके बाद ये पूरा जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है ये पूरा कॉर्टेक्स का है. देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है दिस वन, ये है आपकी हाइपोडर्मिस, जिसे हम जो कि कोलेनकाइमा सेल्स की बनी होती है. उसके बाद मिड में प्रेजेंट होती है यहाँ पर जर्नल कॉर्टेक्स, जो कि पेरेनकाइमा सेल्स की बनी होती है. फिर इनर मोस्ट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर डार्क थोड़ा सा ग्रीन कलर में, इट इज एंडोडर्मिस. उसके बाद यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट है, फिर उस फ्लोएम टिश्यू के बाद कैम्बियम की प्रेजेंस है, क्योंकि यह डायकॉट स्टेम है तो डायकॉट में कैम्बियम टिश्यूज की प्रेजेंट होती है. फिर कैम्बियम टिश्यूज के जस्ट यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर मेटाजाइलम प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट है. देन उसके बाद नीचे की साइड ट्रोटो यानी कि सेकेंडरी है, फिर यहाँ पे वुड पेरेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे मेडलरी रेस सेल्स प्रेजेंट है, फिर तो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर चला ही जाता है. मेन जो हमें पढ़ना था स्टेम का वो यहाँ तक था हमारा कैम्बियम वाले टिश्यूज तक का, यहाँ तक का हमारा जो स्टेम वाला पार्ट होता है. फिर तो वुड वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है. वुड वाला हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेम वाला तक पढ़ना है. डायग्रामेटिक यानी कि एक तरीके से थोड़ा सा स्टेम को देखा जाए तो अंदर से राउंड राउंड सी होती है, तो उस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा. लेकिन अगर इस तरीके से हम पढ़ते तो समझ में नहीं आता, तो हम बेटर है कि हम लोगों ने ऐसे देख पाए. मेरे ख्याल से अब इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. Now, steel is the central core of tissue differentiated into pericycle, vascular bundles and pin. यही हम लोग vascular cylinders की बात करें तो vascular cylinders यहाँ बीच में present होते हैं और इसमें तीन parts में divided होते हैं. Pericycle जो कि हमने देखा था, मतलब parenchyma की layer, vascular bundles में और center में pith में, वो तो हमने देख ही लिया ना जब हम लोगों ने roots की anatomy को अपना पढ़ा था.
पेरिसाइकिल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वास्कुलर सिस्टम सिचुएटेड बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल्स। पेरिसाइकिल बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है वास्कुलर सिस्टम की, जो कि एंडोडर्मिस और वास्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। इन सनफ्लावर इट इज मल्टी लेयर्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड हार्ड बास्ट। लेकिन हम लोग यहाँ पे सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर में वैसे तो पेरिसाइकिल सिंगल लेयर होती है पैरेन्काइमा की, लेकिन सनफ्लावर में मल्टी लेयर्ड होती है, यानी कि सिंगल नहीं होगी, एक दो तीन चार पांच छह दस कितनी भी हो सकती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड बास्ट। वास्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड आर अरेंज्ड इन अ रिंग। जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, ओपन होते हैं और रिंग्स में अरेंज होते हैं। किससे बने होते हैं? जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम से। ये तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि वास्कुलर बंडल्स एक्चुअली में बंडल है ना, तो किससे बना होगा हमारे? जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम से। जाइलम इज एंडार्क, जाइलम एंडार्क होता है। अ स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद जो हमारे जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होंगे उनमें किसके टिश्यूज की प्रेजेंस होगी? कैम्बियम टिश्यूज की, क्योंकि डायापॉड की बात कर रहे हैं हम लोग। पिथ इज सिचुएटेड इन द सेंटर, पिथ बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, देखा ही था, इन यंग स्टेम एंड इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटिस सेल्स। और किससे बना होगा पिथ? पेरेन्काइमेटिस सेल से बना होगा, विद कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ मोनोपॉड स्टेम में। ये इजी है क्योंकि इसमें कैम्बियम की प्रेजेंट नहीं होती और कैम्बियम नहीं है सेकेंडरी ग्रोथ में एंटर नहीं करेगा। इट डिफर्स फ्रॉम डायकॉट, बिल्कुल डायकॉट से डिफर होगा क्योंकि ये सिंगल कॉटिलेडॉन है। एपिडर्मिस इज विदाउट ट्राइकोम एंड द हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेन्काइमा। एपिडर्मिस हम लोगों ने डायकॉट में देखा था कि एपिडर्मिस में क्या है, मतलब कुछ हेयर से निकले हुए थे स्टेम के बाहर, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्राइकोम्स। मोनोपॉड में एपिडर्मिस में ट्रायोकॉम्स यानी कि जो हेयर्स होते हैं स्टेम से बाहर वो नहीं निकले होते, और हाइपोडर्मिस पेरेन्काइमा की जगह कौन से टिश्यू से बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमस सेल से। वास्कुलर बंडल्स आर न्यूमरस एंड आर स्कैटर्ड इन अराउंड ग्राउंड टिश्यूज। वास्कुलर बंडल्स जहाँ एक होना चाहिए यहाँ पर न्यूमरस होते हैं, बहुत सारी नंबरिंग में दो तीन चार पांच, और जो ग्राउंड टिश्यूज के पास में स्कैटर्ड होती है। ईच वास्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेन्काइमा बंडल शीट। और जितने भी वास्कुलर बंडल्स हैं स्क्लेरेन्काइमा के, जो बहुत सारे टिश्यूज और सेल्स हैं उसकी शीट, शीट का मतलब होता है लेयर, लेयरिंग से कवर्ड होते हैं, सराउंडेड होते हैं। इसमें भी वास्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, बट इसमें कैम्बियम टिश्यूज नहीं होगा क्योंकि मोनोकॉट है। जाइलम इज एंडार्क एंड शोज लाइजिनियस कैविटी। जाइलम एंडार्क होगा और इन जाइलम, जितने भी जाइलम होंगे 6, 5, 10, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा, उस स्पेस को हम लोग बोलेंगे लाइसिजीनियस कैविटी। पिथ इज एब्सेंट, पिथ एब्सेंट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑल्सो एब्सेंट, और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या है, एब्सेंट होगी क्योंकि कैम्बियम टिश्यूज नहीं है। यहाँ देखिए अब आपको डायग्राम भी दिखाया गया है। सबसे पहले एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाहर जो हमारी ट्राइकोम्स होने चाहिए वो नहीं है। फिर हाइपोडर्मिस है जो कि आपके स्क्लेरेन्काइमा से होंगे। आप देख रहे हो वास्कुलर बंडल्स कितने सारे प्रेजेंट हैं, दिख रहे हैं आपको कितने सारे वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, और हर एक वास्कुलर बंडल्स की आउटर कवरिंग है किसकी, आपकी यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा शीट की। ग्राउंड टिश्यूज के पास अवेलेबल है। ये दो डायग्राम दिखा दिए, एक सिंपल वाला दिखा दिए, एक थोड़ा सा और बहुत लार्ज करके दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए ये हाइपोडर्मिस आपको दिखाई दे रहा है, ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम यानी कि प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम भी प्रेजेंट है। जहां पर हमारे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है इनके बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम कैविटी। फिर यहाँ पे शीथ है पूरे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज की। यहाँ पे ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट है, दैट मीन पेरेन्काइमा टिश्यूज। ओके, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होता है। आप ये वाला स्ट्रक्चर करो बेटर है, तो दोनों ही कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया है, जाइलम और फ्लोएम का भी दिखा दिया है। उसमें आपको सिंपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली में ओनली ऑन अबाउट स्टेम वो दिखाया गया है। यहाँ से इतना समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ लीफ आपको दिखाई दे रहा होगा, एनाटॉमी ऑफ लीफ वाला पोर्शन, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। एनाटॉमी ऑफ लीफ का हम लोग इसका जो स्टार्टिंग वाला, पहले हम लोग ये देख लेते हैं सिर्फ और सिर्फ लीफ वाला। लीफ में भी आपकी डायकॉट एंड मोनोकॉट दोनों आएंगी, तो पहले सिर्फ लीफ की एनाटॉमी देख लेते हैं जो कॉमन होती है डायकॉट और मोनोकॉट में। सी, डॉर्सी वेंट्रल लीफ इज वेरी कॉमन इन डाइकोटिलेडोन्स प्लांट्स। यहाँ पे जिस लीफ की बात करी है वो है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, जो कि डायकोटिलेडोन्स में सबसे कॉमन लीफ होती है। वेयर द मेसोफिल टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेट एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब ये तो हमें पता ही है कि लीफ के अंदर हमारे मेसोफिल्स टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। लीफ हैज मेसोफिल टिश्यूज, लेकिन ये मेसोफिल टिश्यूज टू पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं, द वन इज पेलिसेट एंड द अदर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। द लीव्स आर कॉमनली हॉरिजॉन्टल इन ओरिएंटेशन। ज्यादातर आपने देखा है कि जो लीव्स हैं हमारी हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेशन के साथ होती हैं। हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेशन है विच डिस्टिंक्ट अपर एंड लोअर सर्फेसेस, जिस जो मतलब इसका जो अपर और लोअर सर्फेस होता है डिफरेंट होता है। आप देख रहे हैं नीचे की साइड से थोड़ा सा ब्रॉड है, राइट, अपर डायरेक्शन में इसका थोड़ा सा नैरो हो जाता है। द अपर सरफेस विच फेसेस द सन इज डार्कर। और हाँ, एक और चीज, जो इसका अपर फेस होता है दिस वन टिप वाला पार्ट, ये डार्कर होता है क्योंकि यहाँ पे सन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा होता है, एंड द लोअर सरफेस यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटर होता है कंपैरिजन टू अपर फेस, थोड़ा सा ब्राइटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सन की रेज इतना नहीं पहुंच पाती कंपैरिजन टू इट्स अपर सरफेस। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि हमें डायकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ दोनों में ही पढ़नी है। तो मैंने जो पढ़ाया वो सिर्फ और सिर्फ अभी एनाटॉमी पढ़ाया है, कॉमन लीफ का बारे में पढ़ाया है। जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डायकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ का। ओके, आज तक हम लोगों ने जो एनाटॉमी था, जो लीफ का कॉमन वाला पार्ट था, वो मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद कल से स्टार्ट करते हैं डायकॉट लीफ और बाकी के जितने भी आपके बचे हुए हैं। यहाँ तक अपना रिवाइज कर लीजिए। आज का तो थोड़ा सा इजी लगा होगा क्योंकि था ही इजी वो। और कोई भी प्रॉब्लम है बता सकते हैं, रिवाइज करिए अपने, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसको भी आप एक बार थोड़ा सा नोट्स के थ्रू पढ़ते जाइए। इट विल हेल्प, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय टू ऑल।